हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉय जिशान व्लॉग। और ये देखें जी, पहली बारिश मानसून की हो गई है। जाओ ना। और बच्चे बहुत खुश हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो हुई, ये क्या था? ये उधर कुछ हुआ, बादल की आवाज आई है ना? नहीं, बादल की नहीं आई, कुछ गिरा। अच्छा, कुछ गिर गया जी? वो तो नहीं गिरी सोलर, खुदा जाने। हवा बहुत तेज चल रही है और बारिश भी एकदम ही तेज हो गई है। तो नहीं, बाहर कोई चीज तो नहीं है? नहीं, जस्ट बताइए। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मौसम हो गया और क्या प्यारी हवा चल रही है। बारिश तो इतनी तेज नहीं आ रही, लेकिन हवा बहुत ज्यादा तेज है, ऐसा लग रहा है तूफान आ रहा है। हाँ, हवा की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया। इस बारिश की लहोरियों को बहुत सख्त जरूरत है, चाहे जितनी भी है, क्यों नहीं। हाँ जी। और मेरा बच्चा कह रहा है जैकेट दे दे मम्मा, जैकेट दे दे, ठंड लग रही है। कोई जैकेट नहीं है, ले जी। मेरे बच्चे से रहा नहीं गया, वो भी चला गया। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो तेज होगी बारिश। बस बादल हो गई, हो गई तेज। इस बच्चे को चैन नहीं है, इस बच्चे को बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा। बहुत तेज बारिश हो गई है, बहुत तेज। मेरा भी दिल कर रहा है रोनी, मेरा भी दिल कर रहा है। वीडियो बनाते हैं, चला ये क्या हो रहा है बारिश में? अच्छा भाई, इस बच्चे के अंगूठे को देख लें, बार बार आता है ऐसे करता आपको जैकेट बना दे। हाँ। आपको कौन कह रहा, नहाओ आप? ना नहाओ, नहीं आप ना नहाओ, ना नहाओ मेरा बेटा। चलो जाओ, जाकर आराम से बैठ जाओ, कपड़े चेंज कराती हूँ मैं आप। बहुत तेज बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, बारिश में नहा के ना, ये बच्चे अभी तक थके नहीं हैं। ये हमारे बरामदे में पानी इकट्ठा हो गया, ये देखें बारिश का। तो इन बच्चों ने ना अभी इधर नहाना शुरू कर दिया और बारिश जो है वो रुक गई है। कितना मज़ा आया नहाने को, मैं खुद इतना नहाई हूँ बारिश में, पूरा आधा घंटा नहाने के बाद। फिर अभी मैंने कपड़े चेंज किए और फ्रेश हुई हूँ, और ये बच्चे अभी तक स्टिल ऐसे ही गंदे कपड़ों में फेरे हैं। चलो यार, उठ जाओ बस, अब चले। अब इनको नहलाते धुलाते हैं, यहाँ से बरामदा खुश करते हैं, फिर उसके बाद हम बनाते हैं खाना। आज खाने में क्या है, वो थोड़ी चिकन पड़ी हुई थी जिशान, तो घर नहीं है। वैसे एक बात है, कैसी बात है कि ना मियाँ साहब घर ना हो तो कोई काम ही नहीं होता करने। सारे काम मेरे जो है ना, वो मेरे हस्बैंड से ही होते हैं। हर काम से ना मैं उनसे ही वो बसता हूँ, तो जब वो लोग घर पे नहीं ना होते तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई काम ही नहीं है करने के लिए। तो चलते हैं, खाना पकाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड, कौरमे की तैयारी मैंने कर ली है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना बारिश के बाद ना, मौसम ऐसे हो गया कि जैसे ना हर्ब्स वाला हो गया, बड़ी गर्मी हो गई है। तो कौरमे की तैयारी मैंने कर ली है स्टार्ट, और लाइटा बाहर निकली और मुझे ग्राइंडर चाहिए। अब क्या करेंगे, कुछ बाहर लगानी पड़ेगी। तो जी, मैंने ज़रा प्याज रख लिया, चिकन मैंने ये फ्रीज हुई थी अभी निकाल लिया। आजकल तो वैसे ना गर्म पानी में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसी करें ना तो वो ठीक हो जाती है।
ये तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया मैंने रखी हुई है। सात बच्चों के लिए ये मीठा बन रहा, मैंने आपको बड़ी बड़ी दफा दिखाया मेरे घर ये एक मीठा बनता है। तो ये कि मैंने टमाटर मंगाए थे अभी रोनी से, दिल वाला ये देखिए कितना प्यारा माना, ये देखो हार्ट बना हुआ है। हाँ जी हाट पर जा रहा है ना, ये टू टमाटो आपस में जुड़े हुए हैं। टमाटर खत्म हुए थे आज, मैंने जोन से आलू भी खत्म कर दिए हैं, प्याज अब मैं खत्म नहीं कर सकती थी, इतना प्याज कहाँ इस्तेमाल करती। आलू मैंने आलू के कटलेट्स बना के रखे हुए हैं, मैंने कहा चले फ्रिज में पड़े होंगे ना, तो अभी अभी बनाए हैं वो भी। अब हम इनका छिलका उतार लेते हैं ताकि ना ये अच्छे से ना मैश हो जाए, क्योंकि ग्राइंडर की तो अब पता नहीं क्या। एक तो ये बड़ा मसला है भाई हमारे मुल्क में ना, ज़रा सी बारिश आती नहीं दो दो तीन तीन घंटे लाइट चली जाती है, अब दो घंटे तो हो गए लाइट गई, ऐसे ही है ना। तो अब पता नहीं कितनी देर गई रहनी है, ये UPS चल रहा ना, हम कोई लाइट और चला सकते ना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, पता नहीं क्या ही बनना है इस मुल्क का। तो चले जी प्याज ब्राउन हो जाता है फिर मैं इसमें चिकन डालती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी प्याज हमारा ब्राउन हो गया और लाइट भी हमारी आ गई है, शुक्र है। अब हम इनको जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से बनाए ना तो एक बड़ी सॉस मजे की टेस्टी ग्रेवी बन जाती है, वरना आप जितना मर्जी भूनते रहो वो ना प्याज बीच में खड़े खड़े वैसे ही नजर आते रहते हैं। तो जब आप ऐसे ग्राइंड कर लेते ना फिर बड़ी अच्छी है ना स्मूथ सी ग्रेवी बन जाती है। जब तक ये होगा ग्राइंड हल्का सा हमने फ्राई कर लिया और मुझे लगता है कि मैंने मसाला ज़्यादा बना लिया, चिकन हमारी कम है। चलो कोई नहीं आज अच्छी सी करारी सी बनेगी, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था कैसी खाने को दिल कर रहा है, खट्टी सी करारी सी। चले इसलिए अब हम डालते हैं नमक और हल्दी। यह इसमें चलेगी नमक हल्दी और साथ में कोरमा मसाला। मैं तो रोनी कह रही थी, मैंने कहा बेटे अभी ना मौसम जैसा ना तो करारे करारे खाने नहीं खाते, कहते मम्मा जी मेरा दिल कर रहा कि आज ना कोई करारी सी सब्जी बन जाए। इसमें अब हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, डाल कितना पकाते हैं इसको अच्छे से भून लेना है हमने। अच्छा भाई मैं तो ना पहले भी मैंने मैसेज दिया बोला वीडियो में अभी फिर मैं मैसेज दूंगी, पर मेरा तो दिल नहीं लग रहा कल के मेरे मियाँ साहब जोन से वो इस्लामाबाद के, मेरा तो दिल नहीं लगन दिया, किससे मैं लड़ाई करूं, किसको मैं बातें सुनाऊं, किसके साथ मैं बहस करूं, यकीन माने मेरा तो टाइम ही नहीं गुजरा है, मुझे इतनी शिद्दत से एहसास हो रहा है इस चीज़ का। क्या करें क्या करें, लड़ाई झगड़े भी तो उन्हीं से करने होते हैं। अब इसके अंदर हम पेस्ट डालेंगे, अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है और इसके साथ हम खाएंगे रोटी, चावल भी खा सकते हैं रोटी भी खा सकते हैं, तो हम तो इसके साथ खाएंगे भाई रोटी, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा ना, तो मैंने ना आटा गूंद के रखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था सुबह, आटा पतला हो गया था तो फिर मैंने उसमें और आटा डाला। अब इसको हम पकने देंगे जब तक इसका ना ऑयल अलग नहीं होगा, तब तक हम पकते रहेंगे। तो जी ये देखें कोरमा रेडी हो गया, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है एक ग्लास, मैंने कहा थोड़ा सा सूप भी बन जाए, रोनी को सूप वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद होती है। और जी साथ ही मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी, मैंने कहा जब तक ये ख़त्म होगा ना तब तक रोटी बन जाएगी हमारी। और ना बाहर ही सुकून है, अगर आप बाहर सेन में बैठते ना फिर बड़ा सुकून है,
लेकिन अंदर रूम्स में इस कदर हब्स हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। चले जी मैं खाना लगाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी तो हम खाना शाना खा के और पेट पूजा करके तो हम यहाँ पे आके लेट गए अपने रूम में। अभी हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाई, कोल्ड ड्रिंक जो हमने मंगवाई थी ना वो ठंडी नहीं थी, उसको अपने हमने फ्रिज में रखा हुआ है, वो कोई घंटे तक ठंडी हो जाएगी फिर हम पियेंगे। खाना चला हमने खा लिया, किचन विचन हाँ किचन भी नीट कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है और अब हम सोने के लिए आ गए हैं। हाँ और बच्चों को मैंने लगा दी है मूवी, अब बच्चे देखेंगे मूवी बहुत अच्छी। हाँ ड्रैगन वाली एक मूवी आ रही थी, मैंने कहा चले आप लोग ये देखें ड्रैगन वाली मूवी और उसके बाद फिर अब हम सो जाएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।